ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बाय इम्प्लांट्स और दूसरा प्रोसीजर है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बाय फैट ट्रांसफ़र। तो इन दोनों प्रोसीजर्स में कुछ अपने अपने फ़ायदे हैं और हम कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में ही दोनों प्रोसीजर्स कर सकते हैं। सो ये एक डिटेल्ड कंसल्टेशन बहुत ही ज़रूरी है टू सी कि कौन सा प्रोसीजर किस पेशेंट के लिए बेस्ट है। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन विद इम्प्लांट एंड फैट ग्राफ्टिंग दोनों प्रोसीजर्स कैसे किए जाते हैं ये हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में। सो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन प्रेस करें सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ये सर्जरी एक डे केयर सर्जरी है, जनरल एनेस्थीजिया में की जाती है एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे रिज्यूम देयर एक्टिविटीज़ विद इन 4 to 5 days, बट हम उनको कुछ एक्सरसाइज रिस्ट्रिक्शन के लिए बोलते हैं जो कि 3 to 4 weeks तक रहती हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें। उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना वेट रिज्यूम कर सकते हैं। और सर्जरी के बाद एक ब्रेस्ट सपोर्ट पहनना बहुत ही ज़रूरी है सो दैट दे गेट द फाइनल शेप। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एक बहुत ही रिवॉर्डिंग प्रोसीजर है। ये ना केवल आपकी एस्थेटिक लुक्स को एनहांस करता है बट आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। तो अगर आप कंसर्न्ड हैं अपने स्मॉल ब्रेस्ट साइज़ को लेके तो प्लीज़ एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करें जो आपको गाइड करेगा कि कौन सा प्रोसीजर आपके लिए बेस्ट है और आपकी डिसीजन मेकिंग को ईजी कर सकें। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। बट अभी भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं यू कैन राइट टू अस, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं उनको आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस अबाउट आर अदर वीडियोज़ ऑल्सो।